ना आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, सबका ओपिनियन अलग होता है, किसी की नज़र में वो डिजर्विंग है, किसी की नज़र में वो नॉन डिजर्विंग है, बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो बोला था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं जीतना ही और मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, उन्होंने करके दिखाया, तो आई डोंट थिंक कि अभी किसी को उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, शो हो गया है, अब जस्ट चक ऑल द नेगेटिविटी। हुड्डा भी एक कॉमेडियन है और उन्होंने जो चीज़ बोली, मुझे भी लगता है कि नेज़ी थोड़े से सेंसिटिव है तो उनको हर्ट हो गया, और जैसे कि मैंने कहा कि नेज़ी के मुँह पर फिल्टर नहीं, जो उनके दिन में उनकी जुबान वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। हम बनी आप जो पीछा जाओ, क्या चल रहा है आप बताइए। बहुत आला, आज फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप में बनाने के आई, तो बस यही चल रहा है। कौन कौन से फ्रेंड्स आ रहे हैं? और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, नेज़ी के साथ तो शाम में मुलाकात होगी, आई होप आप लोग भी आओगे, बट ये मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं, बज़ूका वाले पहले आ जाते हैं। हाँ ये सही है। नहीं सना विनर हो गए, क्या चाहेंगे अपने दोस्तों को, हाँ जिन्हें देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? फ्रेंडशिप डे की विश मैं सबको देना चाहूँगी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सबको, आप लोगों की सबकी जो दोस्ती है वो बरकरार रहे इंशाल्लाह। आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ आई हूँ, और उसके पहले मैंने फ्रेंडशिप डे बनाया कुछ बहुत स्पेशल लोगों के साथ, तो उसका वीडियो मैं डालूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आज बस लंच करने आई हूँ, और नेज़ी के साथ आज शाम में होगा, हम लोगों का प्लान है सबका, तो आई थिंक आप लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सना जीत गई उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला, और उनका शुरू से ही था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, और उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, बट नेज़ी भी मेरी नज़र में विनर है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, और कोई नहीं उसने लोगों का दिल जीता है, सो दैट्स व्हाट मैटर्स। लेकिन सना को डिजर्विंग विनर नहीं बोल रहे हैं, रणवीर सर ने भी बोला था, रणवीर सर का और सना मकबूल का जो भी था मसले मसाए, जो भी उनके आपस में, तो शुरू से उनकी नोकझोंक थी, और हैविंग सेड दैट इट्स ओके ना, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, सबका ओपिनियन अलग होता है, किसी की नज़र में वो डिजर्विंग है, किसी की नज़र में वो नॉन डिजर्विंग है, बट मुझे ये लगता है कि उन्होंने जो बोला था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं जीतना ही और मुझे सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, उन्होंने करके दिखाया, तो आई डोंट थिंक कि अभी किसी को उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, शो हो गया है, अब जस्ट चक ऑल द नेगेटिविटी, और मैंने भी अब डिसाइड कर लिया कि मुझे किसी के हवाले से कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी, जस्ट बी पॉजिटिव, और या बाकी सना सुल्तान बोलते नज़ाकत तो खून हूँ मैं। अदनान के बारे में क्या बोलना चाहोगे, जो अदनान का कंट्रोवर्सी चालू है, मुनव्वर को उसने कभी कुछ बोला है? अदनान की कंट्रोवर्सी चालू है, मुझे इसका इल्म नहीं है, क्या मतलब? जैसे नेज़ी घर में आए थे, ये मुनव्वर घर में आए थे, नेज़ी को उन्होंने एक मजाक उड़ाया था, रोज किया, तो उसको ही लेके यार पता नहीं, मतलब उसके हवाले से मैं क्या ही बोलूँ, मुनव्वर एक कॉमेडियन है, और उन्होंने जो चीज़ बोली, मुझे भी लगता है कि नेज़ी थोड़े से सेंसिटिव है, तो उनको हर्ट हो गया, और जैसे कि मैंने कहा कि नेज़ी के मुँह पर फिल्टर नहीं, जो उनके दिन में उनकी जुबान वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, सो आई होप कि मुनव्वर और नेज़ी आपस में मिलकर क्लियर करते, क्योंकि उन पहले अच्छे दोस्त थे, और दुआ ये कि उनकी दोस्ती बरकरार है, और फ्रेंडशिप्स एक दिन से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है, यू नो, जब दो दोस्त आपस में मिल जाए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सना से मुलाकात हुई आपकी? हाँ सना से मुलाकात हुई आपकी? नहीं अभी तक नहीं हुई है, नेज़ी से भी नहीं हुई है, साई से भी नहीं हुई, आज तो मैं अपने दोस्तों से आई हूँ जिनको मैं बकायदा एक महीने बाद मिल रही, मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन मतलब जब मैं नर्सरी में थी तब से मेरी दोस्त है एक, तो यहाँ पे मैं उनको भी बुला लूँ, बुला लीजिए गाइस, कम 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 अक्षी आयु, अपना नाम बता दीजिए गाइस, नाम से आधार कार्ड दिखा दो, आधार कार्ड दिखा दो, दोस्त उसका आधार कार्ड मांगता है, नर्सरी में से तब से मेरे दोस्त हैं, और मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि दोस्त उनको ही बनाओ जो आपको इसीलिए मोहब्बत करता है क्योंकि आप उनके साथ पुराने रिश्ते में, इसलिए नहीं कि आप कुछ लाइफ में बन गए हो तब लोग आपके साथ में चिपकते हैं, जितने भी दोस्त हैं ये लिटरली मेरे बचपन के पुराने दोस्त हैं, ये कॉलेज फ्रेंड्स हैं, ये बचपन के दोस्त हैं, तो ये कॉलेज के जितने भी ये सारे पुराने पुराने, आपको कैसा लगा सना जी का बिग बॉस का गेम? ऑब्वियसली हम बहुत एक्साइटेड थे, हमें देख के इतना मजा आ रहा था, और वी वर वेटिंग, इतना प्राउड थे हम लोग, एग्जैक्टली इतना अच्छा खेला है उसने, इनकी शायरी कैसे लगती है?
हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। आला गर्ल तो अभी पॉपुलर हुआ है टीवी पे, ये लोग मुझे आला गर्ल बहुत पहले से बोलते हैं। दोस्त है बहुत शाय फील करती है, बस आज कैमरा आज घूंघट में नहीं आई इससे ज्यादा। चलो थैंक यू, आ जाइए।